Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video deals with what is SNC, its introduction, its need and importance, its objectives, and is it aligned with modern curriculum? So all these things are going to be discussed in this video. So before going to start this video, I would like to subscribe my channel and like my video. So SNC stands for Single National Curriculum. सिंप्लीफाइड मैनर्स में, आसान अल्फाज में, ये एक ही कौमी नसाब है जो पूरे मुल्क में राइज किया जाएगा. इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2021 से वन क्लास से लेकर फाइव तक तमाम मुल्क के स्कूलों में ये राइज किया जाएगा. सो इसकी ज़रूरत और अहमियत बहुत ज़्यादा है. सो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम टीचर्स जो हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं, ये वीडियो देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इसमें मैं सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ये है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके इसका बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में एड्रेस करूँगा शॉर्ट वे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा करिकुलम होता है क्या है. करिकुलम मेरे मुताबिक एक रोड मैप होता है, रोड ट्रैक होता है, जिस पर हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को गमजन करते हैं कि इस पर आपने चलना है. उस पर चलेंगे तो मंजिल का तयन होगा, मंजिल का हसूल होगा. सो हम उस रोड मैप पर स्टूडेंट्स को गमजन करवाते हैं, मूव करवाते हैं. सो सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या? एक ही निज़ाम तालीम है सब के लिए. इन टर्म्स ऑफ करिकुलम यानी कि निसाब के लिहाज से एक सिस्टम है, एक निसाब है, एक ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और एक ही वे ऑफ असेसमेंट है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो एसएनसी है, सिंगल नेशनल करिकुलम, ये ना सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, बल्कि दीनी मदारिस में भी राइज किया जाएगा. चलिए अब हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं. पाकिस्तान के तारीखी तनाजर में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ क्लास सिस्टम पाया जाता है. ये कैपिटलिज्म सरमायादाराना निज़ाम की वजह से डिफरेंट क्लासेस, सोशल क्लासेस और इकोनॉमिक क्लासेस पाई जाती हैं. सोशल क्लासेस तो हमने बड़े सगीर में हिंदुओं के साथ रहते हुए हमने ज़ात पात का निज़ाम सीखा और अप्लाई किया. जहाँ तक माशी क्लास का तल्लक है, वो हमने सरमायादाराना माशी निज़ाम जो है उसको अपना कर हमने जो माशी जो क्लास का सिस्टम है वो इस वजह से मुल्कों में राइज है. तो इस वजह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं उनके लिए अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अमीरों के लिए, एलीट क्लास के लिए, जो हाईली अपर क्लास है, उसके लिए हमारे यहाँ बीकन हाउस एच ई सन कॉलेज हैं, जहाँ अलग किस्म का स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ जो करिकुलम भी है और फैसिलिटीज़ भी हैं, एक्सपेंसिव एजुकेशन भी है. सेकेंडली हमारे यहाँ जो मिडिल तबका है उनके लिए इंग्लिश स्कूल्स हैं, जहाँ वो एक एवरेज सा जो स्टैंडर्ड देते हैं एजुकेशन का. और थर्डली हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो एक लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. और लास्टली हमारे यहाँ दीनी मदारिस हैं और जिनके लिए अलग अलग सिलेबस है, जो एक दीनी जो कुतब हैं, किताबें हैं, वो पढ़ाई जाती हैं. इस तबकाती निज़ाम के ख़ात्मे के लिए पीटीआई हुकूमत जब से आई है, इनका मंशूर भी था, मंशूर में शामिल भी था कि हमने जो वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन राइज करना है, सबके लिए एक निसाब, वन जो करिकुलम है, सिंगल करिकुलम, वो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. इसी तनाजर में ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिसका जानना समझना बहुत ज़रूरी है. इसकी ज़रूरत और अहमियत की बात करते हैं. जहाँ तक इसकी ज़रूरत और अहमियत का तल्लक है, ज़रूरत बिल्कुल दरपेश आई है. हमारे यहाँ जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जब एक सिलेबस नहीं है, एक करिकुलम नहीं है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है.
सो ये सिलेबस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस होती है। और नेशनल इंटीग्रेशंस नहीं है, यानी कि कौमी यूनिटी को फ़रोग देने के लिए भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से यह डिज़ाइन किया गया है। जहाँ तक इसकी अहमियत का तल्लुक है, तो ऑब्वियसली ये सिंगल करिकुलम है जो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किए जाने वाला है, तो इसकी ज़रूरत तो अहमियत बहुत बड़ी है, इसका जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, ये मॉडर्न जो करिकुलम है उसको एड्रेस करता है मॉडर्न ट्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को, स्टैंडर्ड्स को शामिल किया गया है इसमें। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस करिकुलम को डिज़ाइन करने से पहले 3-4-5-6 रिसर्चेस की गई हैं, एजुकेशनलिस्ट और क्रिटिक्स ने बैठकर रिसर्च की है, कंपैरेटिव स्टडीज़ की गई है पाकिस्तान के करिकुलम को सिंगापुर के करिकुलम के साथ कंपेयर किया गया, मुआजना किया गया, और फिर देखा गया है कि हमारे करिकुलम में जो ड्रॉबैक्स हैं उसको इम्प्रूव किया गया है, और जो सिंगापुर के जो करिकुलम में जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है उसको इंक्लूड किया गया। सेकेंडली, ना सिर्फ सिंगापुर के साथ हमने अपने करिकुलम को मुआजना करके बेहतर किया है, बल्कि हमने मलेशिया और इंडोनेशिया के जो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम हैं उनके जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं और ट्रेंड्स हैं उनको भी हमने कंपैरेटिव स्टडी करके अपने करिकुलम को इम्प्रूव किया है। और थर्डली, हमने यूके के जो करिकुलम है उसके साथ भी हमने मुआजना किया है, स्पेशली हमने कैम्ब्रिज के करिकुलम को कंपेयर किया है, और उसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे और इंटरनेशनल मॉडर्न वेज ऑफ टीचिंग्स हैं उसको इंक्लूड किया गया। लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्टिव ऑफ एसएनसी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम चिल्ड्रंस को इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि वो इक्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन रिसीव कर सकें। सेकेंडली, हमने सोशल कोहियन और नेशनल इंटीग्रेशन पैदा करने के लिए ये बनाया गया है। इससे नेशनल, कौमी और माशरती यूनिटी पैदा होगी। थर्डली, इसमें जो डिस्पैरिटी है, जो इम्तियाज़ पाई जाती है, जो डिफरेंस पाया जाता है जो एजुकेशनल सिस्टम में, उसको कम करना है, ठीक है। फोर्थली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी के लिए, तमाम सोशल क्लासेस के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इक्विटी इन एजुकेशन, ये भी सिमिलर है कि हमने एजुकेशन में एक मसावात पैदा करनी है। फिर इसके बाद है, हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन की, हमने बच्चों की एक सिस्टमैटिक और कंप्लीट डेवलपमेंट करनी है। उसका तल्लक चाहे सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, फिज़िकल है, फिर इसके बाद मेंटल है, स्पिरिचुअल है, ऑल द पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, कोग्नेटिव है, जो भी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। और फिर लास्टली है, हमने स्मूथ इंटरप्रोवेंशियल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स की बैनल सूबाई सतह पर जो मोबिलिटी है, यानी ड्राइव है, उसको स्मूथ बनाया जा सके, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को जो प्रोवेंशियल सतह पर हम उनको साथ लेकर चलें, इकट्ठा साथ लेकर चलें। आखिर में मैं इसका तनकीदी जायज़ा लूँगा। वैसे मैं जो समझता हूँ ना, वैसे सरमाया दराना निज़ाम है, गवर्नमेंट को चाहिए अगर वो क्लास सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है, एलिविएट करना चाहती है, यानी कम करना चाहती है क्लास सिस्टम को, तो फिर उनको एक सरमाया दराना सिस्टम है, कैपिटलिज्म जो है, जिसमें तबकाती निज़ाम है, उसका तो होना लाजमी जुज़ है सरमाया दराना निज़ाम है। तो इट मीन्स हमें सरमाया दराना निज़ाम से भी जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर हम सरमाया दराना निज़ाम से जान छुड़ा लेंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सिंगल होने में आसानियाँ पैदा होंगी। फर्स्टली,
और सेकेंडली अब जो हम समझते हैं, मोस्टली टीचर्स भी समझते हैं कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल बीकन हाउस और हाईली स्टैंडर्डाइज्ड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल रूट, एचिसन, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये चीज़ें। और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट, सिंगल नेशनल करिकुलम के अगेंस्ट केस भी चल रहा है। अब देखा जाए तो ये अब पंजाब में सिर्फ अप्लाई हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, दूसरे सूबों में अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की गई, आई थिंक सो। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। केस का थोड़ा सा मैं उसका व्यू आपको दूंगा कि केस ये है कि ये कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो सिंगल करिकुलम है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो फ्री एजुकेशन हासिल करने की और फ्री एजुकेशन, फ्री वेज ऑफ लर्निंग, उसको ये सबोटाइज करेगा, ये सप्रेस करेगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक ही जो फार्मूला है सब पर ठोसा नहीं जा सकता, तो इसलिए इसके अगेंस्ट कुछ बातें हैं। इट इज़ सेट के ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। सो लेट्स सी होता है क्या है, होप सो अप्लाई हो जाए। सो लास्ट पे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होल हार्टेडली कम्प्लीटली।